लोग यहाँ पे आके और इधर से अब नेक्स्ट चीज आपको दिखाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आप डुबकी लगाते हैं और नहा के फिर जाते हैं और पूजा वगैरह भी करते हैं मेरी चॉइस से। तो वीडियो में शुरू में ही कि आपको कुछ यूनिक दिखाने वाले गाइस। तो फाइनली अभी आ चुके हैं भैया के घर पर एंड यहाँ देख सकते हो इस तरफ भैया का होम और इसी जस्ट आगे में यहाँ पे ये मिला हुआ है ऑफिस की तरफ से ही। और यहाँ पे है भैया का ऑफिस पोस्ट ऑफिस जो कि आपको दिखाई दे रहा है आगे में और यहीं पे हम अभी अंदर चलेंगे। यहाँ तो फिलहाल मेरे को लोकेशन भैया भेज दिए हैं और थोड़ी देर पहले आए भी थे बट वो अंदर चले गए और हम पीछे से बोले कि हम आप सभी को पहले स्वीकार करते हैं मतलब अपना वीडियो बना लेते हैं पहले जो कि आपको दिखा पाएँ। तो चलो अंदर देखते हैं क्या होता है अंदर में एंड क्या क्या सिचुएशन अंदर का सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो इस तरफ से अभी चलते हैं सीधा और अंदर गेट अंदर जाने का ये देखो और यहीं से जस्ट सामने में ये है ऑफिस पोस्ट ऑफिस जो भैया यहाँ पे काम करते हैं। और पहले चलते हैं जल्दी से यहाँ से छत पे और पहले बैग वगैरह रखते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप। हे गाइस तो फाइनली भैया के घर पहुँच गए हैं बट अभी कपड़ा वगैरह चेंज करके फ्रेश वगैरह होकर उसके बाद आप सभी के पास आ गए हैं अब फिर से और आपको देखें आज भैया का होम टूर जो कि कोलकाता में है। फिलहाल न्यू 3 से 3.5 साल 4 साल हो चुका है हमारा भैया का जॉब का बट यहीं पे है। और यहाँ भैया का ऑफिस आगे में देख सकते हो इस तरफ और यहाँ घर जो कि इसी घर का अभी हम फिलहाल आपको होम टूर कराएंगे और देखना आगे से चलते हैं पहले नीचे और इस तरफ से सीधा हम आए थे अभी डायरेक्ट इस तरफ से एक्चुअली इस बिल्डिंग के पीछे ही स्टेशन। और यहाँ पर देख सकते हो दुर्गा माँ का फोटो है यहाँ पर देख सकते हो कैसे बंगाली वाला लिखा हुआ है बंगाली बंगाल के टाइप में मतलब बंगला लिखा हुआ है यही समझ लो। और यहाँ से डायरेक्ट हम अभी एंट्री किए इस तरफ से और इस तरफ से डायरेक्ट ही आए अंदर और यहाँ है होम फिलहाल जिसमें अभी हम भाभी और भैया ऑफिस में है उसके बाद फिलहाल थोड़ी देर बाद भैया अभी आ जाएंगे। तो गाइस चलते हैं बिना समय लिए हुए आपको पहले देते हैं भैया का होम टूर जो कि भैया का इजाज़त से ही आपको मिल रहा है। चलो कोई नहीं आपको देखने का मौका मिल गया बस यही सुन लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय लिए एंड आपको दिखा देंगे पूरा चीज़ यहाँ पर जितना भी सारा बना हुआ है जो भी जिस तरह से हम आए और स्टार्ट करेंगे अभी होम टूर हम इस तरफ से जाके ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखा पाएँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं पहले नीचे इस तरफ से और स्टार्ट करते हैं मतलब मुख्य द्वार से स्टार्ट करते हैं इस होम टूर को। सो गाइस फाइनली आ गए हैं अब नीचे ऊपर देखते हो वहाँ से हम शूट करते वीडियो को और फिलहाल अभी आ चुके हैं नीचे। और गाइस कॉमेंट करना चश्मा कैसा लग रहा है पहन लिए भैया था ऊपर में रखा हुआ। तो चलो और यहाँ से स्टार्ट करते हैं मुख्य द्वार से और दिखाते हैं आपको पूरा लुक इस मकान का। इधर से कोई मतलब नहीं बट यहाँ डायरेक्ट अभी चलेंगे सीढ़ी बाय सीढ़ी ऊपर और देखते हैं आगे फिर। पहले तो यहाँ से आ जाते हैं पहले छत पे और यहाँ देख सकते हो इस तरफ एक टैंकी लगा हुआ है और इस तरफ इतना सारा छत खुला हुआ है जिस पर कि ये सब पत्ता वगैरह जो भी है यहाँ पर गिर के और सूख भी चुका है। चलो कोई नहीं और यहाँ से चलते हैं आप अंदर यहाँ से डायरेक्ट और इस तरफ देख सकते हो ऑफिस जो कि सरकारी काम के लिए कैंडिडेट कस्टमर और यहाँ पे भैया का ऑफिस वगैरह है और इधर से देख सकते हो और ये इसी का जस्ट आगे में ऑफिस की तरफ से भैया के यहाँ पे घर मिला हुआ है। तो चलो अंदर अब अंदर का टूर करवाते हैं। पहले तो आप यहाँ से एंट्री करोगे देखोगे तो यहाँ डायरेक्ट आपको इसी छत से हम ऊपर आए और यहाँ पहले आपको अपना चरणों से उतारना पड़ेगा अपना स्लीपर को और उसके बाद डायरेक्ट अंदर प्रवेश। पहले तो यहाँ पर है बाथरूम इधर ये है नहाने के लिए ये है डिजर्ट जो भी समझ लो आप ये समझदार तो आप खुद ही होगे। तो चलो सीधा यहाँ से ब्रश वगैरह जो कि सुबह सुबह उठ के करते हैं और यहाँ फिलहाल छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा किचन और आने के जस्ट थोड़ी देर पहले ही बेल का शरबत भी पी चुके हैं हम। तो फिलहाल हम लाइट को अब ऑफ कर देते हैं यहाँ पे। चलो तो उसके बाद जस्ट यहाँ से निकलने के बाद एक रूम आपको इस तरफ मिलेगा यहाँ पर जो कि इसका भी लाइट जलाते हैं पहले ये देखो। चलो ये भी चकाचक यहाँ पर जो कि थोड़ी देर पहले हम लोग खाना खाए हैं आने के बाद आराम से बंद। और फिलहाल अब बचा हुआ है फाइनल रूम जहाँ में कि हम आज स्टे करने वाले आराम से। चलो हो गया और यहाँ पे आईना जिससे कि हम फ्लश जला के उसके बाद शूट कर रहे थे और इसको पहले करते हैं अब बंद। फाइनली बंद हो चुका है और पहले तो यहाँ पे आईना वगैरह देख सकते हो और इधर ऊपर में चल रहा है अभी सेलिंग फ़ैन। आने के बाद में कितना देर का क्या से क्या हो जाता है ये तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं 10 मिनट का और आपको उसमें से बहुत सारा काट काट कर ही आपको देते हैं क्योंकि आप बोर ना हो मेरा वीडियो देखने के बाद। और अभी सेलिंग फ़ैन चला तो आपको शायद आवाज़ आ रहा होगा मेरा। चलो गाइस फिलहाल नेक्स्ट ग्लास हम यहाँ पहनने वाले अब इसको और इधर देख सकते हो अभी कितना बज रहा है चश्मा भी घुस यो
वो चश्मा कहाँ लग गया पता भी नहीं चल रहा, बट फिर हटा। और इधर से अब नेक्स्ट चीज़ आपको दिखाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आप जाओगे तो यहाँ पे जाला लगा हुआ है, क्योंकि इससे छिपकली अंडर प्रवेश कर जाता है मे आई कमिंग बिना बोले हुए। चलो कोई नहीं, और दिखाते हैं आपको यहाँ से डायरेक्ट आगे में, देख सकते हो वहाँ जो है वो गली इस तरफ, और ये है जनरेटर रूम भैया का, जो कि पानी वगैरह जो यहीं से सप्लाई होके उसके बाद टैंकी में ऊपर जाता है। फिलहाल दो महल पर भी हम लेके जाएंगे आपको, फिलहाल यहाँ देख सकते हो बगल में गली है, और चलते हैं बिना समय लिए आपको डायरेक्ट ऊपर। और यहाँ देखो भैया के साथ में काम करने वाला जितना भी यहाँ पे, तो अब की बार नंबर आ रहा है छत पे जाने का, नॉइज़ ज़्यादा होगा यहाँ। देखो एक चीज़ मैं आपको बोला था वीडियो में शुरू में ही कि आपको कुछ यूनिक दिखाने वाले, तो वहाँ देख सकते हो दिखाएंगे आपको शायद। देखो जमीन छोड़ दिया है फ्रिज का कार्टून यार, देखो एक तरह से भैया लगाए हुए हैं ताकि पानी वगैरह जब भी आए यहाँ पे तो कार्टून भींगे ना। तो फिलहाल अभी तो आ गए ऊपर, लेकिन गाइस पसीना पसीना हो गए वीडियो शूट करते करते आप सभी के लिए, और आपको दिखा भी रहे हैं कोलकाता का होम टूर भैया का, जो कि जहाँ में जॉब लगे हुए भैया कर 3.5 साल पहले। सबसे पहले तो यहाँ पे गेट है, और इस तरफ आने के बाद यहाँ पे भैया का चादर रखा हुआ है, जिससे कि यहाँ पर व्यायाम वगैरह करते हैं भैया, डिप्स वगैरह मारते हैं हम, थोड़ा बहुत जिम वगैरह का सामान है ही घर में नीचे में। और यहाँ पे टैंकी है, जो कि आज ऐसा समय आ गया है कि खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है इसमें यार, मतलब आज दिन में 10 बजे के लमसम यहाँ पे ये टैंकी का मोटर जो है नीचे में लगा हुआ है, जस्ट वो ख़राब हो चुका था, और दिन में ही आधा से एक घंटा के बाद मिस्त्री यहाँ पे आके ठीक भी कर दिया। तो पानी फिलहाल अब आने ही वाला है, क्योंकि अभी लाइन नहीं है, जस्ट लाइन आएगा उसके बाद टैंकी में पानी फुल हो जाएगा, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। यहाँ जो है ये कोमा का जो आइकन दिया हुआ है, जिस पर कि छतरी रखा हुआ है, ये है मोटर का पाइप का जो भी हैंडल करने के लिए, मतलब जितना भी रूम यहाँ पे है सारा चीज़ लाइन पानी का जो भी यहाँ से निकलता है डायरेक्ट इसी की, यही ऑफिस है और यहीं से सारा चीज़ हैंडल होता है, किस रूम में कितना पानी, मतलब पानी भरा नहीं भरा बंद करो, मतलब मुख्य द्वार यहीं पर, यहीं से सारा चीज़ सप्लाई होता है। इसी का पाइप जो लगा हुआ है वहाँ मोटर लगा हुआ है, वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वही मोटर से आज पानी आता, लेकिन फिलहाल ख़राब हो चुका था, जो कि ठीक हो गया है। तो अब आधा से एक घंटा के बाद पानी आने वाला है इस टैंकी में, जो कि खुश हो जाएगा टैंकी थोड़ी देर के बाद। और इस तरफ देख सकते हो बिल्डिंग वगैरह, और अभी हम मौजूद हैं कोलकाता में, और कोलकाता का किस गांव में शहर में पता नहीं, बट जो भी है आपको दिखा रहे हैं बस, और कुछ नहीं था। और इस तरफ से आप देख सकते हो नदी भी है, जिसमें कि यहाँ पर का बंगाली वगैरह जो भी है सारा उसी खदा में यार नहाते, पता नहीं खदा बोलते हैं हम लोग, तालाब है यहाँ पे, ये सब तालाब बोलता है, और बड़ी आराम से नहाता है यार, पानी निकलने का स्रोत रहता है ना, तब नहाने में और भी मज़ा आता है, ताकि गंदा पानी जो भी हो एक जगह से दूसरी जगह निकल जाए। 8 से 10-15 लोग यहाँ पे आके डुबकी लगाते हैं और नहा के फिर जाते हैं, और पूजा वगैरह भी करते हैं मेरी च्वाइस से। और इसी होम के तरह घर के तरह वहाँ भी एक घर है, जो कि उसमें भी बहुत सारा स्टाफ वगैरह रहते हैं, भैया ही बताए थे पहले ही। तो चलो गाइस अब थक गए बहुत ज़्यादा, आप जाके पहले आराम करेंगे, और देखते हैं एडिट मेरा वीडियो कब हो जाएगा, तो आपको बस वीडियो मिल जाएगा, ये तो मत सोचना कि वीडियो नहीं आएगा, आपको बस वीडियो मिल जाएगा, और आप वीडियो देख ही लिए होगे अभी, तो बहुत ही थक गए, चलते हैं आप वीडियो एंड करते हैं, और आपको जितना हो सका तो आपको होम टूर दे दिए, और यहीं पर हम 1 से 2 दिन रहने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि भैया का तो जॉब है यहाँ पर सरकारी, तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट ऑफिस है, और यहाँ पे बताया जाता है एक तरह से, भैया ही बताते थे यहाँ पे बैंक वगैरह पर ज़्यादा विश्वास, यह कोई भी एक्स्ट्रा बैंक वगैरह हो उस पर ज़्यादा विश्वास ना करते हुए पोस्ट ऑफिस पे ज़्यादा ही विश्वास करता है, इसीलिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के आगे में बहुत सारा भीड़ वगैरह लगा हुआ रहता है, और यहाँ पर जमा करना निकालना पैसा को बहुत ज़्यादा काम होता है। तो वही काउंटर पर भैया विथड्रॉ काउंटर पर, या डिपॉजिट या विथड्रॉ जो भी बोलो आप, वही काउंटर पर भैया बैठ के उसके बाद जो भी काम होता है क्रिया प्रक्रिया करते हैं। तो चलो सीधा आप ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं यार शूट करने में, आए इतना दूर से ट्रैवल करने के बाद, उसके बाद आपको वीडियो भी देना, चलो कोई नहीं, बस आप समझो यार ब्लॉगर का स्ट्रगल भरा लाइफ होता है, अगर आप ब्लॉग शूट करते हो आप जानते होगे तो ही आपको पता चलता हो कि हाँ कैसे करके ब्लॉग शूट करता है, कैसे एडिट करना पड़ता है उसको, कैसे जाके अपलोड करना पड़ता है, और समय पर अपलोड नहीं हुआ तो वो भी दिक्कत है, ताकि ऑडियंस वगैरह वीडियो देखना ना पसंद करे आगे जाके। तो यार चलो वीडियो को ज़्यादा बढ़ाते ही नहीं, जल्दी जल्दी वीडियो आपसे भी आने वाला है, हाथ भी दर्द करने लगा अब, चलो वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज के वीडियो देखने में अच्छा लगा, अच्छा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करते रहना, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो यहाँ से होम टूर का ब्लॉग होगा शायद, कर लेंगे ये अगर मतलब थके नहीं ज़्यादा तो कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना, बाय।